तो एक बार फिर से भाई सभी भाइयों का चैनल पे स्वागत है। भाई अभी अभी जस्ट उठाया था और वीडियो स्टार्ट करिए। देखो घर वालों ने ना उठते ही काम बता दिया, पानी लेने जा रहा हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सब लोगों को बताया था, एक डॉग है जो उमेश के वहाँ पे आ रखा, फीमेल डॉग है जो कि प्रेग्नेंट है, बच्चे देने वाली है, और वो लोग उसकी अच्छे से केयर नहीं कर रहे। चक्कर में भाई रात रात को वहाँ पे लाइन पर जाना पड़ रहा, सोच रहे कि यार कैसे ना कैसे करके मिल जाए हमें, वो लोग बिल्कुल केयर नहीं कर रहे। इस चक्कर में कल हमारा उनसे झगड़ा भी हो गया, शनाप शनाप बोलने लग गए, बोले तुम चोर हो, तुम ये हो वो हो। बात तो सही है, ने उनको भाई दो चार बात सुना दी, ऐसे ऐसे करके हमारा झगड़ा गया बंद, बड़ा झगड़ा हो गया। मतलब कि यार झगड़ा इसलिए कर रहे हैं इतना ज्यादा प्रेशर, क्योंकि हमारे पास तो आपको पता कितने सारे डॉग अवेलेबल है, क्या करेंगे किसी डॉग का, बस सोच के हम डॉग की जिंदगी सुधर जाएगी, हो रही है भाई। मैंने जब उसको कल देखा ना भाई, हमारे पास आकर रोने लग गया डॉग, सच में उसकी आंखों से पानी था। मैंने फोटो वगैरह भी क्लिक करी है, वीडियो वगैरह भी बनाई है, आप लोग चेक करो अभी। अभी आप लोग मेरे को बताओ, उनके साथ लड़ाई करना ठीक है या गलत है? Yes. पास से डॉग लेना ठीक है या गलत है? अब जैसा बोलोगे भाई वैसा करेंगे। तो डॉग वो उनकी नहीं है, उन्होंने भी एक एक डेढ़ हफ्ते पहले पकड़ी है खेतों से, तो वहाँ पे आ गई वो, बस रोटी डालते। भाई अगर तुम लोगों को पालना ही है तो अच्छे से केयर करके पालो, ऐसे मत करो यार। वो 24 घंटे तो बाहर रहती है, इतनी ज्यादा धूप है, बारिश है, एक तो ऊपर से प्रेग्नेंट हो रहा है वो। जल्दी यार भाई, यार अभी अभी हमारे साथ सीन हो गया। एक भाई का हमारे पास कॉल आया जो कि हमारा जानकारी में कबूतर पाल रखे है, उसने वो प्लॉट के ऊपर आ रखा है, वो बोल रहा था कि यार उसको कबूतर की जरूरत है। वहाँ पर रोड पे भाई पुलिस वाले खड़े थे, कम से कम भी 20 से 25। भाई वो देख, वो बंदे भी वहाँ से भाग गए, अभी हम भी यहाँ से निकल गए भाई। बस एक कट से, मतलब एक कट से रह गए हम बच गए, नहीं तो आज भाई चलान कट जाता है। पुलिस कॉन्टेक्ट करके कह दे भाई ये स्कूटी वाले पकड़ने हैं। पता ना यार इतनी पुलिस क्यों खड़ी होने लग गई हमारे यहाँ। मना ले गली में ले लिया भाई ने, आप सबसे वादा किया था और आप सब लोगों के इतने कमेंट आ रहे थे जल्दी से उसको लेके आओ, उसको लेके आओ। फाइनली आज उसको भाई, ये देख रहे हो ना, सुबह से गए हुए, मतलब अब बिल्कुल दोपहर का टाइम हो चुका है, सूरज हमारे सर पे खड़ा, वो देखो बुल्ली को हमने रेस्क्यू कर लिया। काफी सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई इसको रेस्क्यू करके लेके आओ, तो हमने फाइनली रेस्क्यू कराया। और ये जो छोटा लोंडा आ रखा ना मेरे साथ भाई, इसने रेस्क्यू करवाया, इतनी दूर से हमारे साथ पैदल चलते चलते आ रहा है। हमने रेस्क्यू कर लिया है किसको, पाकिस्तानी बुल्ली को। हाँ भाई इसकी वजह से रेस्क्यू ही है, चार लाइन पर से इतनी दूर यहाँ पर आया चलते चलते, तो संभाल के रखा, अपनी गली में रखा, रोटी डालता रहा इतने दिन, इसलिए इसके गली में रुक गई है, इसके पास से हम लेके आए हैं। लोंडे तेरे को हमारी ऑडियंस भी सलूट करेगी क्योंकि अच्छा काम किया। वो कहाँ पे घुसा दी है इसको, बाहर निकाल यार, गर्मी लग रही है इसको, बहुत दूर से आई है ना यार, इसके भी ये भी थक गई होगी बेचारी, कंडीशन ठीक नहीं। और वैसे भी, और भाई एक चीज और मेरे को दिखानी है इसके ऊपर, तू बता रहा था डॉग ने अटैक कर दिया था ना इसके, भाई नीचे है ना डॉग ने नीचे अटैक कर रखा है काट। हाँ वो ये देखो यार इसको खून भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी देखो कितनी चोट लग रखी है, और नीचे यार एक जगह ऐसे बहुत बुरी तरीके से जहाँ से दूध वगैरह आता है वहाँ पे भाई इसके जख्म हो रखा, उसको भी उसका इलाज करवाएंगे, ठीक करवाएंगे, इसकी बहुत ज्यादा हो रखी है। तेरे को कोई आइडिया नहीं है कि किसने छोड़ी ये? देख लो यार दुनिया ऐसे करती है, क्या बोलना चाहेगा जिसने भी छोड़ी है ये, बस गाली मत दिया यार, हमारी ऑडियंस गाली सुनना पसंद ना है, बाकी उनको आती तो है। अच्छा ये गलत बात है, ब्रीडर यार इसका पैसे करके ब्रीड पर बच्चे निकाल के छोड़ देते हैं यार। यार ये बिजनेस बना दिया आजकल लोगों ने, जब तक काम आई जब तक ठीक है, काम ना आने छोड़ दिया तब फेंक दी। प्लॉट ले जाकर गलती तो ना कर, प्लॉट पे ले जाकर क्या गलती कर रहे हो और कहाँ पे यार जी, मेरे यार उड़े लड़ाई लड़ाई मार के फिर यार। ये बात तो बिल्कुल सही बोली यार इसने, ना यार बेशक बुड्ढी है भाई, ये 100% फाइटर नस्ल की है, प्योरिटी में तो है, पर यार एज भी तो देख ले तू भाई, एज तो मानता हूँ, पर यार ये देखो इसका साइज बहुत बड़ा है, आपको दिखने में छोटी लग रही होगी भाई, इसकी हाइट मैं आपको नाप के बताऊंगा किसी दिन, मतलब हमारे पास इंची टेप होगी तो मैं इसकी ना, क्योंकि पाकिस्तानी बुल्ली को है ना हाइट के अकॉर्डिंग ही फाइट में देखा जाता है, तो देखेंगे बाकी प्योरिटी में बिल्कुल, ये अभी तो थक रखी है, वहां पर चल के देखते हैं भाई कैसा रिएक्शन आता है रोक्सी के साथ, जिमी के साथ, बस जिमी फ्रेंडली हो जाए, रोक्सी को तो यार बड़े केज में कर रखा हमने, तो ना हो पावे भाई इसके साथ यार, तो किसी के साथ भी ना हो भाई, रोक्सी का तो मेरे को पता, पर जिमी के साथ हो जाएगी तो इन दोनों को खोल देंगे बाहर, केज में भी तो ना रख सकते आराम से। हाँ ले चल रहे हैं इसे, वो जिमी को पकड़, जिमी को पकड़, वो जिमी को पकड़ के रखा, वो पागल हो क्या क्या यार, यार लड़ पावे पागल, तेरी रुक मैं करवाता हूँ तेरी, पकड़ पकड़ मैं करवाता हूँ, आजा जिमी, जिमी इस साइड आजा, लड़ाई नहीं करनी है,
लड़ाई नहीं करनी है बिल्कुल भी। पकड़ कर रखिये उसको, रुक जा रुक जा। बस 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 जिमी कुछ ना बोला मेरे को, पर तेरी तुम भाग जा यहां से। फाइट के ले ना लेका है वो, रेस्क्यू करके लाए यार, किसी ने थोड़ रखी थी इतनी बुरी पलायन पार से। ओ चलो जल्दी जल्दी। और तुम लोग ऐसे क्यों करवाने लग रहे हो फाइट? फाइट करवाने लाए हो? अरे पागल होगा क्या, फाइट वगैरह नहीं करवानी यार, सीजन नहीं चल रहा, गर्मी कितनी पड़ रही है। पर से उस बिचारी को किसी ने गली वगैरह में छोड़ दिया यार, बच्चे लेके बहुत बुरी कंडीशन है। अरे उसका पता ही तो ना चल रहा कौन है, मेरे को क्या पता कौन है यार। जिमी को पकड़ लो, फाइट ना हो गया। लिया लिया पकड़ पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। लिया 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 आराम से लिया, कोई लड़ाई नहीं होगी, तू लेके आराम से आराम से, मैंने बात कर ली। पकड़ कर रखियो यार इसको, कहीं ऐसा ना हो कुछ ना। ओए कुछ ना बोल रहा, रुक जा रुक जा, मैंने उसको बोल दिया कुछ नहीं यार, ये उस पर अटैक ना कर दे, आराम से रुक जा, रुक जा, इनकी दोस्ती करवा दे। आराम से आगे लेका इसको, आराम से आगे लेका, आराम तू टाइट पकड़ कर रखियो, आराम से लेका, इनकी दोस्ती करवा के देखते यार। ओए ये तो कुछ नहीं बोलेगी यार, ये देखो इसने अभी कुछ नहीं, सूंघने सूंघने दे सूंघने दे, कही वो है ना भाई, उसको पीछे से पकड़ ना ले उसको, सूंघने दे सूंघने दे। ओए दोस्ती होगी यार, कुछ ना कह सकते भाई लक्ष्य। हाँ भाई अभी इनको प्लाट पे अकेले नहीं छोड़ेंगे, क्या पता ये हमने डांट दिया इसलिए जिमी कुछ नहीं कर रही हो, है फ्रेंडली है वैसे तो। अभी अभी नितेश का मेरे पास कॉल आया, अभी जस्ट बात होके हटी है, नीचे यहाँ रखा, मैं उसको बोल दिया कि ऊपर आ जाओ, ऊपर छत पे हूँ मैं, सरप्राइज लेके आया है क्या पता नहीं, ऐसा बोल रहा था कुछ लेके आया हूँ तेरे लिए। अरे क्या लेके आया कबूतर, कहाँ से लेके आ गया यार तू? अच्छा अपनी छत के कबूतर पकड़ लिए क्या तूने? ना पागल सा था यार, 50 रुपए में कबूतर दे था, 50 रुपए में 50 रुपए में कबूतर किसने दे दिए थे? ऐसा कमाल कैसे होने लग गया यार, इतने सस्ते कबूतर तो हम ही देते हैं, हमारे अलावा और कौन मार्केट में आ गया जो इतने सस्ते कबूतर देने लग गया। कितने कबूतर ले लिए तूने? 3 कबूतर ले लिए, दिखा कौन से कबूतर यार। अभी कबूतर चेक कर एक बार, सुन भाई सरप्राइज मेरे लिए, मैं चेक करूंगा, रहा भी नहीं जा रहा है बिना कि यार इसमें कौन से कबूतर होंगे, ये किसने दिए तेरे को? अरे क्या बताए, लड़का था यार वो, तूने ये खरीद लिए पैसे में? हाँ ये देखो भाई, ये कबूतर खरीदते हैं, ये वो नस्ल है जो चक्री मारा कर। अरे ये चक्री मारने वाली नस्ल ना, ये बीमारी है, ये लकवा रखा इसको। क्या पता यार वो तो ऐसे ही बोला कि नहीं मारती पलटी, और ये मतलब बहुत तकड़े उड़ा के देखना, ये वो ऐसे उड़ा के दिखाई तो पलटी मार कर गिर गए नीचे ये। हाँ वे ग्राउंड पर के अंदर लकवा रखा है तू। अरे मन ने बेर तो बढ़िया कबूतर लग गया यार, मेरे तो उसने दूरते ही दिखा दिया, दूरते ही मैंने ठीक लग गया, मैंने ले लिए। पागल बनवा दिया तेरा, पागल बना गया कोई यार, मक्कल बक्कल मतलब तेरे पे अभी तक तेरे को कबूतर की पहचान ना, ये कहाँ से एंगल से लग रहा है तेरे को ये पलटी मारने वाले कबूतर? पलटी मारने लग गया यार वो। अरे पलटी तो मारेगा, लखो आ रखा है इनसे ये उड़ाना, बीमारी है फैला कर अपनी छत पर भी, अभी इनको कहाँ पे रखेंगे यार तू? यार मैंने के बेरा था वो ला कर पहले तो एक कबूतर उसने करवा के दिखा दिया, और उसने बाकी ने कहा देख ये बढ़िया कबूतर है, मैंने से लागे जब पेटी बंद कर दी, फिर मैंने ले लिए, फिर चला गया जब भी। तू हाय 50 रुपए के लालच मार कर तूने ऐसी तैसी करवा ली यार अपनी, मन्ने की बेर था लक्ष्य, दवाई लोग होते हैं। अरे इलाज क्या कर दे यार, गर्मी में जाके ठीक होंगे यार। अरे यार देख ले इनको, दवाई लोग लगा।